दिल्ली दौरे से लौटे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सीधे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आयोजित पूर्व छात्र मैत्री मिलन समारोह में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने जहां अपने पुराने दिनों को याद किया तो वहीं छात्र संघ चुनावों की बहाली के संकेत भी दिए। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए, इन्हें हिंसा के कारण बंद किया गया है, लेकिन इस पर विचार कर निर्णय लेंगे बशर्ते इन चुनावों के दौरान हिंसा न हो। वह उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में जल्द ही स्थायी कुलपति की नियुक्ति की जाएगी। नहीं, मैंने कहा कि छात्र संघ के चुनाव होने चाहिए, इस बारे में हम विचार कर सकते हैं कि वायलेंस ना हो, क्योंकि छात्र चुनाव वायलेंस के कारण बंद किए गए थे, तो अभी विचार करेंगे, सब लोगों से बातचीत करने के बाद फिर ही आगे बढ़ा जाएगा। अभी इस बारे में कोई कहना जल्दी होगा। स्थायी कुलपति का भी जल्दी नियुक्ति होगी, अभी तो जो कुलपति है वो अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनके लिए तो पहले ही 27 साल तक की उम्र तक वो पढ़ाई कर सकते हैं। कंडाघाट में उनके लिए नहीं है, वो दिव्यांग के लिए है, जो बच्चे हैंडीकैप्ड है, स्पेशल केयर चिल्ड्रन है, उनके लिए कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन नहीं है। तो हमने बोला कि फर्स्ट क्लास से लेकर 12th तक और 12th के बाद कॉलेज भी उनका वहाँ बनाया जाएगा, जिसके लिए 45 बीघे जगह का चयन कर लिया गया है। और इस दिशा में जल्दी उन बच्चों को भी हम चाहते हैं कि उनकी भी केयर की जाए, तो इस दृष्टि से भी हमारी सरकार कार्य कर रही है। नहीं, अभी मेरी पार्टी हाईकमांड से किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई है। टिकट जब फाइनल होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगा, और उसमें कोई दो राय नहीं है कि जल्दी ही टिकट हमारे फाइनल होंगे। मुझे नहीं पता चर्चाएं को अब जार कहां से गर्म है।